का शो। मैंने अपनी एयरलाइंस खोली है उड़न चू एयरलाइंस। एक्चुअली मुझे शुरू से इधर के उधर करने का बड़ा मजा आता था। मैंने अपनी सालत की वजह से बड़े झगड़े कराए। आपको बताया मैंने एक बार अपने चाचा चाची का तलाक करा दिया था, फिर भी उनके 3 बच्चे हैं। मेरे को शक है वो इधर उधर होके भी मिलते रहे थे। मैंने ये ट्रेवल एजेंसी का धंधा खोला, क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं, मैं क्या बताऊँ। कल एक कस्टमर आया, मेरे को कहता 2 टिकट बुक कर दो। कहते एक पार्लियामेंट की, दूसरी सोनी टीवी की। मैंने कहा क्यों? कहते पार्लियामेंट के बाद इधर ही आना होता है। वाह सिद्धू पाजी, सच में मतलब बैंक में इतने खाते नहीं खुलते हैं जितने अलग अलग धंधे हमारी सोसाइटी में खुलते रहते हैं। ए पप्पू क्या चप्पू, कप्पू का भाई चप्पू, ये क्या खोल के बैठे हो यहाँ पर? मैंने इधर ना सर्कस खोला है, तभी इधर सारे जानवर कभी भी आ जा सकते हैं। ये क्या बात हुई? सेम बात डॉक्टर ने इसको बोली थी जब ये पैदा हुई, तो ये क्या बात हुई? हेलो, हाँ सोनी साहब, हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पर एक अजीब सा आदमी है जो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, इसका मैं कुछ कर लूँ या आप कुछ करेंगे? हेलो सोनी साहब, फोन रख। ये आपका जो लोगो आता ना साइड पे, ये इधर, उसको बचा के रखना, कल चाय लेके घूम रही थी, कहती मैं डुबो के खाऊंगी। फालतू की बात करती है। देखिए पप्पू चप्पू कपड़ा कप्पू लप्पू लप्पू जो भी नाम है आपका, आपको जो भी बिजनेस करना है ना कीजिए, लेकिन आपको मुझे पार्टनरशिप देनी होगी। आप एक काम कीजिए, अपनी इस एयरलाइन में आप मुझे एयर होस्टेस रख लीजिए। देखो एयर होस्टेस बनने के लिए एक खूबसूरत लड़की होना जरूरी है। आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है, अगर मैं अपना ये मस्ता निकाल दूं ना तो सेम टू सेम दीपिका पादुकोण। ये तो कुछ भी नहीं, अगर कहीं तुम अपनी गर्दन उतार दो तो मुगलों का मटका लगोगी तुम। ये सुबह सुबह क्या लगा के रखा है? घड़ी की दोनों सुइयां, दो जिसमें एक जान होकर 12 बजा चुकी हैं और आपकी अभी तक सुबह तक नहीं हुई। देखो बंपर, तुम उनसे तमीज से बात करो, तुम्हारे मालिक की बेटी हूँ मैं। वो मालिक की बेटी? तुम क्या सोनी साहब की बेटी हो? 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है मुझे, और 3 महीने से जो हमारे हॉस्पिटल के 2 बेड नहीं मिल रहे उन्हें बेच के खा चुकी हो क्या? हाँ तो जेब खर्चा भी कोई चीज होती है। अरे तो पेशेंट के साथ बेड तो कौन बेचता है? ए चल चल अपना काम कर, चल 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 कहाँ चल 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 लगाइए तुम लोग ने। देखो मैंने अपनी ट्रेवल एजेंसी खोली है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक जॉब है। वाओ कैसी जॉब? ये तुम वो फ्लाइट में जो करते ना एयर होस्टेस, नहीं नहीं वो जो कपड़ा मारते हैं सीटों पे, तुम वो कर लेना। एक्सक्यूज मी क्या? मैं कपड़ा मारूंगी? और तुम्हें क्या आता है? नहीं नहीं आता है ना आता है, कमजोरी में इसे चक्कर आता है, लंगर खाने के बाद इसे डकार आता है, और दोपहर को इसे पान वाले का फोन आता है कि कलकत्ता सादा खाना हो तो आ जाओ। हाय 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 हाय, अरे हाय नहीं कर रहा हूँ, दर्द से कर रहा हूँ। हाय कैसा हॉस्पिटल खोल के रखा है, मेरी किडनी निकाल दी। तुम लोगों ने इस गरीब की किडनी निकाल ली? हाँ तो एक हफ्ते बाद वापस दे देंगे। अच्छा। वो जरा दीपक को किराए पे दिए, मिल जाएगी। बंपर, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। आपको रहने दो, कल रात को आई थी मेरी ग्लूकोज की सारी बोतल पी गई है। ओए ज्यादा बोला ना, दूसरी किडनी भी निकाल लूंगी। मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। तुम एक काम करो, रामलाल की किडनी ले लो, 1500 में मिल जाएगी। मेरे पास 1500 भी नहीं है। अरे तो मेरे यहाँ जॉब कर लो ना। अच्छा काम वो जो मैं कहूँ। हाँ और 2000 रुपए रोज का। अच्छा करना क्या होगा? फटाफट जाके तैयार हो जाओ। ओके लेकिन कपड़े कपड़े तो दीजिए। अंदर पैराशूट है, फाड़ के ड्रेस बना लो। हे भगवान, आपकी एक बनाई हुई बंदी को मैं आपके पास वापस भेज रही हूँ, उसे स्वीकार कर लेना। तू तो गई या? तू गई। रुक करा। हेलो, हाँ सारे इंतजाम हो गए एयरलाइंस के? सरकार से लाइसेंस लेना भूल गए? नो प्रॉब्लम, मेरे पास है अपना, मेरे स्कूटर का लाइसेंस है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलेगा।
आओ 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 एक्सक्यूज मी जी, क्या उड़न छू ट्रैवल एयरलाइंस यही है? यही तो है, और क्या? आप अपने पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रही हैं? मेरे पिताजी नहीं है। तो किसी के पिताजी को क्यों छोड़ने जा रही हैं? आपको गलत फहमी हो रही है, हमारी अभी अभी शादी हुई है, मैं इनका पति हूँ और ये मेरी वाइफ। बात ये शर्म नहीं आई वाइफ की भावना से खिलवाड़ करते हुए? अरे इसकी जिंदगी खराब कर रहा है, चार दिन बचे थे लूडो खेल लेता। हिम्मत कैसे उनसे ऐसे बात करने की? अरे आप तो इतनी सी बात पे भड़क गई हैं, जो मेरे मन में था अगर वो बोल देता आप तो केस कर देती। मन में क्या था? मन में आमिर खान और मनीषा को डाला। अरे उनसे हमें क्या लेना देना, आप हमारे हनीमून की टिकट बुक कीजिए। ओके, तो हनीमून का लाइसेंस है आपके पास? हनीमून का लाइसेंस नहीं होता, गाड़ी का लाइसेंस होता है। तो जाओ फिर गाड़ी के साथ मना लो हनीमून। एक काम करेंगे, हम आप दोनों को अलग अलग हनीमून पे भेजेंगे। अरे अरे एक मिनट, अलग अलग क्यों? देखो ऐसे साथ में जाएंगे तो मन में बुरे बुरे विचार आएंगे। अभी क्या है कि हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया है पति और पत्नी को दोनों अलग अलग भेजेंगे। ऐसे कैसे, मैं हनीमून पे अकेले जाके क्या करूंगी? अरे किसने बोला अकेले जा रही, मैं जाऊंगा ना आपके साथ। आप कैसे जाएंगे? ऐसे बैठ के जाएंगे? अरे ऐसे कैसे, क्या नहीं सुनो, ये मेरी पत्नी है और मैं इनका पति। तो मैं भी तो किसी का पति हूँ। तो अपनी पत्नी के साथ जाइए ना। अरे मेरी शादी कहाँ हुई है? तो पत्नी कहाँ से आ गई? तो ये पत्नी तो है, ये तो मेरी है। अब मेरी तो क्रिसमस होती है। अरे पागल हो जाऊंगा मैं। पागल आदमी के साथ शादी कर ली आपने? ओ माय गॉड। मैं जाऊंगा इनके साथ, मतलब इनके रहने खाने पीने का सारा इंतजाम करके आऊंगा मैं, समझ में आया? एक मिनट देखिए, इनके साथ शादी मैंने की है, मैं जाऊंगा इनके साथ। आप अपना पैकेज बताइए कितने का है? 8 लाख। आठ लाख बहुत महंगा, चलो चलो चलो। अरे आपको पता ही नहीं हमारी सर्विसेज कैसी होती है। सर सर क्या पैकेज दिया हनीमून का आपने, मजा आ गया। क्यों? बिल्कुल सच्ची, हमारी लाइफ कितनी अनरोमांटिक थी, लेकिन आपके पैकेज ने बदल दिया, मेरे अजय कुमार को अक्षय कुमार बना दिया। क्यों थक रही है तू? ऐसा हनीमून अरेंज किया कि हम गए थे दो लेकिन तीन होकर वापस आए। आप लोग हनीमून पे गए थे कि एकता कपूर के सीरियल में जो इतना कुछ इतनी जल्दी हो गया? अरे क्या बताएं, वो जगह इतनी अच्छी थी, हर जगह हनीमून हनीमून हनीमून। लेकिन इनका पैकेज बहुत महंगा है। साफ फैसिलिटी भी तो है ना। अब जैसे आपातकालीन स्थिति में प्लेन को अगर क्रैश लैंडिंग करनी पड़े तो पैराशूट लेकर अकेले नहीं कूदते, एयर होस्टेस साथ में कूदती है। अच्छी। हाँ, और जब विमान पानी में उतरता है तब चारों ओर से सिक्स पैक वाले मॉडल्स आते हैं आपको बचाने के लिए। सच्ची? आप लोगों का हो गया, कोई बात नहीं, चलिए निकलिए। अरे सर मजा तो अभी आएगा, मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी को भी ऐसे हनीमून पे भेजें। हम एक बार फिर से होके आते हैं। नहीं नहीं, अभी 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 कैसे? अरे बहुत मजा आएगा, चलते हैं ना। नहीं नहीं, मुझे काम है एक्चुअली, बाय। मुझे काम है। अरे बाबा बाबा, मेरे को गोदी में उठाओ ना बाबा। आजा बेटा आजा। रे रे रे, आप फटाफट पैकेज बुक करा लीजिए, हमारे पास सीट्स बहुत कम बची हैं, दो ही बची बस। और देखिए आप थोड़ा डिस्काउंट दीजिए ना। ठीक है, मैं आपको 30% डिस्काउंट देता हूँ, बदले में आपको हमारा थोड़ा सा एक काम करना है, थोड़ा सामान लेके जाना है। क्या सामान है? ये ऐसे खाली खाली नशे का सामान है। अरे नहीं नहीं, हम कोई नशे का सामान नहीं लेके जाएंगे अपने साथ। अरे घबरा क्यों रहे हैं, आपके पास गन होगी ना? गन नहीं है ना हमारे पास। मैं दूंगा ना आपको, ये देखो। अरे नहीं, आप हमें फंसा रहे हैं। अच्छा, तो इतनी जवान वाइफ को फंसा सकते हो, हम थोड़ा सा नहीं फंसा सकते आपको? मैंने फंसा ही नहीं है, हमारी लव मैरिज हुई है। ऐसे लव बड़े देखे मैंने, 4 साल ऑटो रिक्शा चलाया मैंने, वो पीछे वाले शीशे से सब दिखता है मेरे को। सुनिए, आपको सस्ता पैकेज देता हूँ, उसमें खाली आपको 2500 रुपए की लोहे की जैकेट लेनी पड़ेगी। लोहे की जैकेट क्यों? ऐसे बॉर्डर क्रॉस कराएंगे ना आपको, जब भी तो तार लगी रहती है, तो ऐसे ऐसे करके जाएंगे। अरे एक मिनट, हमारी नई नई शादी हुई और आप बॉर्डर क्रॉस करा रहे हैं? इस उम्र में शादी करके लिमिट क्रॉस कर सकते, तो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। देखो लास्ट डील, 5 लाख।
बेबी पैसे दे दो ना। अच्छा चलो तुम कहती हो तो एक मिनट, लेकिन आप भेजेंगे कहाँ हमें? न्यूजीलैंड चले जाइए। नहीं नहीं, वहाँ बहुत ठंड होती है, मैं ठंड में मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो जाएगी। तो स्पेन चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं। नहीं नहीं, वहाँ गर्मी बहुत होती है, गर्मी में ना मुझे चक्कर बहुत आते हैं। काम करो, मून पे चले जाओ। मून वहाँ का मौसम कैसा है? मौसम का मेरे को पता नहीं, वहाँ से स्वर्ग 2 किलोमीटर दूर है। आपका दिमाग खराब है, दिमाग कहीं जा रहे हैं आप। हेलो, आप मुझे ये बताइए कि आपने पहले कभी किसी की टिकट कराई है कि नहीं? क्या बात कर रही है ये? अरे थोड़े दिन पहले सिद्धू जी की टिकट कराई, एयरलाइंस वालों ने हम पे केस कर दिया। क्यों? अरे जहाज की टिकट पे इलेक्शन में खड़े हो गए, ऊपर से जीत भी गए। इनका ऐसा ही है, उस दिन तो प्लेटफॉर्म टिकट लेके यूपी में खड़े हो गए, कहते मैं इधर से लड़ूंगा। अरे जल्दी कीजिए, हमारे प्लेन के उड़ने का टाइम हो गया। ये लीजिए, लेकिन आप ना बिजनेस क्लास दीजिएगा। बिल्कुल बिजनेस क्लास, जल्दी करिए। हाँ। प्लेन का टाइम हो गया, चलिए टेबल हटाइए। ये क्यों हटाइए? अरे जहाज कैसे निकल के तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा? ये भी करना है। हाँ। चलो बैठिए बैठिए बैठिए, फटाफट बैठिए, चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। अरे ये क्या है? आपने तो कहा था कि जहाज फुल है, सिर्फ 2 ही सीटें बची हुई है, तो पूरा खाली है। हाँ। 2 सीटें बाहुबली की बची हुई थी, मेरी बुआ जी गई थी वहाँ पिक्चर लेने, जहाज तो पूरा खाली है। हाँ। अच्छा बैठिए ना, आप बताइए आप अपना पायलट लगे हैं? पायलट तो आपका होगा ना? हाँ? पायलट जहाज वालों को आता है। चलो कोई नहीं, मिलजुल के उड़ा लेंगे, क्या फर्क पड़ता अरे है। अरे ऐसे कैसे उड़ा लेंगे आप? 2 पायलट होते हैं, ऑटो पायलट होता है। मुझे आपका प्लेन चेक करना है अभी। ऑटो पायलट होता है? हाँ जी, ऑटो पायलट होता है अभी। अरे होता है ऑटो पायलट, तो चीख क्यों रहे हो इतना? अरे हम कहाँ चीख रहे हैं, बताना तो पड़ता है कि नहीं ऑटो पायलट होता है। हाँ, तो हाँ तो आएगा ऑटो पायलट। नहीं ऑटो पायलट, 24 तासी स्त्रिया साड़ी सल्ला गुलाडी। हेलो ये कौन है? बोला ना ऑटो पायलट, मुल्की को कम सुनाई देता है क्या? सुनाई देता क्या? चलो साहब मैं प्लेन उड़ाने जाती, और हाँ भाड़े के टाइम खोटी नहीं करने का, पैसा मैं खुला लेती, वो भी मीटर के हिसाब से। क्या? Okay. मीटर क्या 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 कान की से पैदल है क्या? मन से काम आए, मुलगी शिकली प्रगति झाली। गलत बोलती तुम्ही, मी महाराष्ट्र मुलगी आहे। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। अगर तू मराठा है ना तो हो जाए लावणी। चला चलो बोले। वाह वाह वाह, आप तो बहुत अच्छा नाचती हैं। थैंक यू। घर चलो, तुम्हारे पैरों में घुंघरू बांध के ना नचवाती हूँ तुम्हें मैं। अरे भाई साहब नाचने वाली है, हमें पता ही नहीं था। जल्दी बैठिए, पहले प्लेन उड़ने का शुभ मुहूर्त हो गया, बैठिए बैठिए। लेकिन आपकी पायलट पीछे कहाँ गई? अरे कॉकपिट तो आगे होता है। हाँ। आगे होता है तो उसको क्या है, अभी ऐसे उड़ते हैं ना ऊंचाई से डर लगता है, तो इसलिए पीछे रखते हैं, तो चोंच पे बैठ के उड़ाती है। चोंच में? हाँ। फटाफट बैठिए ना। लेकिन हम यहाँ क्यों बैठे, हमने तो बिजनेस क्लास की टिकट ली है ना। अरे यार बिजनेस क्लास तुम्हारा, ये लो बिजनेस क्लास तुम्हारा, ये लो, चलो बैठो फटाफट। ये तो मेरा, इनका बिजनेस क्लास का कहाँ है बोर्डिंग पास? नहीं नहीं शादी हुई, बिजनेस कराओगे बेचारी से? उसको 4 दिन आराम करने दो बेचारी को। अरे नहीं बिजनेस कराने वाला नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बैठने की बात कर रहा हूँ यार मैं। अच्छा क्यों? हाँ। लड़कियाँ बिजनेस नहीं कर सकती क्या? हाँ लड़कियों को कम मत समझना तुम। अरे नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था डार्लिंग। ए, मैं तो पता तलाक दे दो इसको। बहुत बहस करता है ये। इतनी सी बात के लिए तलाक दे दो? तो क्या बात बड़ी होने का इंतजार करे? देखिए ये हमारा पर्सनल मैटर, हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे। हमने बिजनेस क्लास इसलिए बुक किया कि कम्फर्टेबल होके जाएंगे, इसलिए बिजनेस क्लास ही चाहिए। चाहिए यार कंफर्टेबल होना ना। हाँ बात करता है। चलो बैठो इधर बैठो। टॉयलेट सीट्स बहुत कंफर्टेबल होता है मैडम। चलिए प्लेन के टेक ऑफ का टाइम हो गया, फटाफट मुझे हक कर लो आप। अरे एक मिनट, हक क्यों करना है? अरे सीट बेल्ट नहीं है ना, हक करेंगे तो ऐसे गिरेंगे नहीं मतलब। अच्छा एक मिनट, आपकी एयर होस्टेस नहीं आई अभी तक? नहीं आई 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 आई। अच्छा सुनो एयर होस्टेस, मैं अंदर जाके गूगल पे चेक करके आता हूँ प्लेन कैसे उड़ाते हैं, ठीक है? ओके ओके ओके। क्या क्या
क्या क्या क्या क्या बैठी ना चुपचाप बैठी क्या 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 आप बैठिए 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 मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज. हमारे विमान में चार मुख्य पायलट हैं, दो पायलट आगे दो पायलट पीछे. अरे गलत है, चार मुख्य द्वार होते, दो आगे दो पीछे. सॉरी गलत हो गया मैं. सॉरी हमारा विमान आपातकालीन स्थिति में जब हवा में उतरेगा. अरे एक मिनट, फिर गलत है यार. आपातकालीन स्थिति में हवा में नहीं पानी में उतरेगा. तू कर ले बुड्ढे, तू कर ले. आ जा आप करो. नहीं तुझे आप करो. आ जा, तुझे आता है इतना. आप करो. अबे आना क्या? लेकिन तुम ठीक से तो बोलो ना. देखिए मैं जितना भी ठीक से बोल लूं, आपातकालीन स्थिति में तेरा बाप भी हमें नहीं बचा सकता है. मुझे ना भूख लगी है. मेन्यू में क्या है बताओ. चल कॉकरोच दो प्याजा. छी, आप वेजिटेरियन. नहीं, वो वेजिटेरियन ही था, फिर कॉकरोच बीच में आ गया. आप खाना चाहें तो खाइए, अगर नहीं खाना है तो हमारे पास वेज चिकन भी है. वेज चिकन? हाँ, मुर्गे ने अपनी लाइफ में सिर्फ शाकाहारी खाना खाया है. अच्छा, इस हिसाब से तो अगर हमारा फास्ट होगा तो आप हमें भूखा मुर्गा खिला देंगे. अरे वाह, बड़ी ही कमाल की बात की है आपने. खैर, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस विमान में आप प्लीज बिल्कुल भी पानी ना पिएं. क्यों क्यों क्यों? क्या है कि हमारा जो टॉयलेट है ना, वो बार बार एकदम जाम हो जाता है. अरे आप क्या बकवास कर रही है, कुछ भी बोले जा रही है तब से. हैं? आप आंख किसे मार रहे हैं? नहीं मार नहीं रहे, आदत है. एक बार वापस करके दिखाइए. दूं क्या? अब लोग धीरे नहीं बात कर सकते, हम लोग पीछे सो रहे थे यार. क्या सो रहे? अरे इधर हमें भूख लगी है, खाने को कुछ भी नहीं है. खाने को तो खाने को आ जाएगा कोई ना कोई इधर. अभी मूंगफली गरमा गरम, मूंगफली जहाज में. मूंगफली कौन बेचता है भाई? वाह, जब इंसान जहाज में बियरें बेचता था तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा चखना भेजा तो प्रॉब्लम होगी साहब. अरे ये मिस्टर कालिया है, इन्हीं का जहाज है. दो क्या ये कालिया? लेकिन कालिया तो थोड़े बड़े थे ना. जब पैसा नहीं होता है तो इंसान छोटा हो ही जाता है साहब. कुछ भी कहिए साहब, आपकी बियर बैंकों को बहुत महंगी पड़ी. पैसे गए हैं जनाब, शौक नहीं गए. मैं तो कहता हूँ मैडम जी, कभी कैलेंडर में फोटो शूट करवाना हो तो बता देना मेरे को. कालिया साहब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है. चलिए अंदर चलिए, आपके वो दो बूंद बियर के पीने का टाइम हो गया है. चलिए आइए. अरे मूंगफली, अरे भूख लगी है. देखो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, शोर मत मचाना, आराम से चने खाओ. इधर भी गिरे हैं, खा लो. ये एक एक इधर छुपा हुआ है, खा लेना आराम से. चूहा, क्या हुआ? आपके प्लेन में चूहा है. चूहा कहाँ? बम्पर जाके देखो चूहा कहाँ है, उसका टिकट चेक करो वरना फाइन मारो. दिखाओ टिकट. चूहे का? ओह आई एम सो सॉरी, मुझे लगा चूहिया का. अरे वो ऑटो पायलट, आप चूहे को लेकर ट्रैवल करते हैं, तुम कौन सा शेर लेकर ट्रैवल कर रही हो? हेलो कैप्टन जी, आप इधर क्या कर रहे हैं? प्लेन कौन उड़ा रहा है? आप यहाँ है तो कैप्टन चप्पू शर्मा प्लेन उड़ा रहे हैं. ओके. अरे कैप्टन चप्पू, आप बाथरूम में क्या कर रहे हैं? अरे नई फिल्म लगी हुई देख रहा था, तुम्हें नहीं पता बाथरूम में क्या करते? तो प्लेन कौन उड़ा रहा है भाई? अरे प्लेन उड़ा रही है कैप्टन सरला. मुझे लगा आप अंदर है. मुझे भी वही लगा. वो कॉकपिट ना अंदर से लॉक हो गया है. मैं अभी कैप्टन को फोन करती हूँ. अरे ये दोनों यहाँ पर हैं तो प्लेन कौन उड़ा रहा है? एक विशेष सूचना, हमारा विमान थोड़ा सा खराब हो गया है. आप में से दुआ मांगना किसे आता है? मुझे आता है. तो आप एक काम कीजिए, आप दुआ मांग लीजिए, बाकियों के लिए हमारे पास पैराशूट है. अरे ऐसे कैसे, मुझे पैराशूट चाहिए. पैराशूट दो नहीं तो मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा. हाँ पैराशूट बोलो, पैराशूट बोलो, पैराशूट.
देखिए जहाज आपातकालीन स्थिति में आता है, जहाज को कोई भी विकता आती है, समस्या आती है, जहाज में मरने की स्थिति आ जाती है, मरना नहीं चाहते हैं। ये हमारी कंपनी का एकमात्र पैराशूट जो आपको बचा सके। पैराशूट ले ला, ले ले। अरे प्लेन में पैराशूट कौन बेचता है यार? मैं बेचता हूँ, क्या बस स्टैंड पे बेचूं? ले ले। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मास्क का है, ऑक्सीजन मास्क। मास्क? हाँ है, ये रहा, ये रहा मास्क। दो दो जल्दी दो। स्पाइडरमैन का मास्क, स्पाइडरमैन मास्क, ऑक्सीजन मास्क दीजिए ना। इधर हम लोग मरने जा रहे हैं, तुम औरतों की चॉइस नहीं खत्म होती। हाँ। जो है लगा लो इधर फटाफट। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं आ रही है, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे ऐसे कैसे रुक जाओ, रुक जाओ। अगर तुम रुक गए होते ना तो नहीं होती है ये सब। अभी मिठाइयाँ बांट रहे सबको। अरे नहीं नहीं, ये वो खुशखबरी वाली उल्टी नहीं है। और करो इससे शादी, किसी जवान से की होती तो अभी हम सब मिठाई खा रहे होते। अरे इससे शादी करने से अच्छा तो आप चुगली कर लेती। खबरदार मेरे पति के बारे में कुछ कहा तो। ओए सुन चप्पू तुम। खबरदार जो मेरे मालिक के बारे में कुछ कहा तो। खबरदार जो मेरी बीवी को कुछ कहा तो तमीज से बात करो। ए, हमारे पेशेंट से तमीज से बात कर। यहाँ पर ये चाहिए, चाहिए। यहाँ पर ये इतना लड़ रहे हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं फ्लाइट में नहीं बोलता आजकल। क्या कर रहे हैं ये सब? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ऐसे बात करते हैं कस्टमर से? ऐसे करते हैं? अरे बेचारे इतने बुजुर्ग हैं, इनको आराम से पीट सकते हैं। अरे 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 क्या दरवाजा टूट जाएगा? कहाँ जा रहे हो? पाजी आज आपके मैदान से तीन शेर आ रहे हैं। ठोको ताली वाले नहीं, हाँ दूसरे क्रिकेट वाले। ओ मैं आप सबको बता दूं, एक तो वो धमाकेदार बल्लेबाज हैं जो चौको शक्को में बात करते हैं, और बाकी दो कमाल के ऑलराउंडर हैं, बल्ले से आतिशबाजी तो करते करते हैं, गिल्लियां भी उड़ा देते हैं, ठोको कर देते हैं, ठोको। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा धमाकेदार बल्लेबाज शिखर धवन और ऑलराउंडर सुरेश रैना एंड हार्दिक पांड्या। तीनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। और चारों हमारी जो बहू बेटियां आई हैं पूरे आईपीएल में, ये बहुत नाची हैं बेचारी, आज यहां पे भी थक गई हैं। गर्ल्स पेमेंट ओके डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गर्ल्स। जी पाजी, छक्के छुड़ा देते हैं गेंदबाजों के, धज्जियां उखाड़ देते हैं, ये जो जमीन से शॉट मारे आसमान फाड़ देते हैं, खेलते हैं देश की आन बान शान के लिए ये हीरो, और अपने जोशो जनून से जीत का तिरंगा गाड़ देते हैं। वाह हार्दिक, शिखर, सुरेश, आप तीनों को आपकी तमाम अचीवमेंट्स के लिए ढेर सारी मुबारकबाद, और आपकी टीम तो अभी भी आईपीएल फाइनल जीती है। अभी मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे पार्टी से ही आ रहे हैं आप। आइए आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज वेलकम। अरे मैं ऐसे ही क्यूरियोसिटी से की पूछ रहा था, मैंने कहा जैसे ये अंबानी वगैरह के घर में पार्टी होती है, नॉर्मल सब्जियां होती है कि डायमंड करी वगैरह बनाते हैं ये लोग? होता है कभी? नहीं, कभी लगती है उनका चम्मच का कलर भी गोल्डन है, तो कभी कभी क्वेश्चन खुद हो जाता है कि एक्चुअली सोने की तो नहीं है ना वो भी। बहुत बार होता है कि एक डाल दो और फिर चलो बोलते चलो थैंक यू सो मच बनाने के लिए। नहीं पर मुझे सिद्धू भाजी एक बार कह रहे थे, कहते गुरु जे जो अंबानी है ना इनके घर में जो पनीर काठी रोल होता है वो भी 500 के नोट में बनता है, पता नहीं ये सच्चा है कि नहीं सच्चा। अच्छा नहीं ऐसे ही भाजी, रैना ने क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट जो है 2020 हो गया, वन डे हो गया, टेस्ट, उसमें सेंचुरीज मारी है, और वीरू भाजी के बाद अगर कोई ओपनर आया है जो सबसे ज्यादा बॉलर को ठोकता है वो है शिखर, और हार्दिक तो ऑलराउंडर है ही। अच्छा आपने लेकिन जब शुरुआत की थी अपने करियर की भाजी आप दोनों, तो पहले पहले मैच में 0 पे आउट हो गए थे, उस समय आपने कभी सोचा था कि आपको एक ऐसे महान क्रिकेटर के सामने बैठने का मौका मिलेगा जो खुद 1990 में जीरो पे आउट हुआ? पाजी वो एक आध मैच में होता है, फिर क्या हुआ उसके बाद? तो अपने
अबे तेरा मेरे जीरो ही दिखते हैं, तुझे सौ नहीं दिखते मेरे। नहीं मैं ऐसे याद रख, जीरो मैथमेटिक्स का हीरो है जी। दस के इधर लगा दिया तो कुछ नहीं, लेकिन दस के आगे लगा दिया तो 99 का फर्क डाल देता है, समझा? छोटी छोटी चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है। किसी अप्सरा की गाल पे छोटा सा तिल हो ना, उसकी सुंदरता को चार चार बात करता है। हमने तो देखा नहीं ज्यादा अप्सरा को करीब से, इसलिए आइडिया नहीं है। मैं तो स्वर्ग का टिकट कटा रखा है, रोज ही मिलता हूँ उनको। हेलो अप्सरा, हाउ आर यू? आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, मिसेस शिखर धवन भी यहाँ पे हैं और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और इनका बड़ा ही प्यारा बेटा जोरावर, जोरावर भी छोटा बैठा हुआ है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पता है मेरा पापा स्टार है, मुझे क्या लेना देना। अच्छा सबको पता है कि शिखर को गब्बर बोलते हैं टीम में, कभी हमने सुरेश भाजी आपसे पूछा नहीं ना, हार्दिक आपसे मुलाकात है आज पहली बार हो रही है, आपको क्या किस नाम से बुलाते हैं टीममेट्स? सर सोनू है मेरा नाम तो निकनेम। सुरेश रैना लगता है कि जब आते हैं सुरेश रैना धड़ाधड़ बल्लेबाजी करें, सोनू लगता है कि सोनू आया है, सोनू तो स्वीट सा है। सोनू अच्छा बड़ा क्यूट है। और हार्दिक आपको क्या बुलाते हैं? टीम में तो काफी सारे नाम है, लेकिन एक मुझे जो पसंद है जो बुलाते हैं वो हैरी है, जो वो थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक है, बाकी तो ऐसे नाम है कि नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे। शिखर आपको इसलिए तो नहीं गब्बर बुलाते कि आप ये जो आईपीएल की बसंतियां होती है जो अभी चार आपके साथ भी आई थी, जी। ये बड़ा नाचती हैं जब आप चौके छक्के मारते हो, इन्होंने कभी बोला नहीं भाई थोड़ा आराम से किया करो हमारा भी? गब्बर मेरे को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जब मैं रणजी ट्रॉफी में खेला करता था, अभी भी खेलता हूँ रणजी ट्रॉफी, तो सिली पॉइंट पे बैठे होते हैं, अब दूसरी टीम की पार्टनरशिप लगी तो लड़के काफी डाउन हो जाते हैं उस वक्त, कोई आवाज़ नहीं निकाल रहा होता, तो हमारा टीम का रहता कि भाई बोलते रहना, तो मैं सिली पॉइंट पे बैठा हूँ, बॉलर वहाँ से डाल रहा और मैं बॉल डाली, मैसेज बैठे बैठे बहुत ध्यान आना है ये सुअर के बच्चों, इसी तरह चिल्लाते सारे ग्राउंड में, फिर बाहर से मेरे कोच ने मेरा नाम गब्बर डाल दिया। एनर्जी बनी रहती है, एनर्जी एक हंसी मजाक रहता है। पर जब कोई भी मैच में विकेट गिरती है तो प्लेयर्स एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं, एक दूसरे को चीयर्स करते हैं, सुरेश आपको मैंने देखा बाल खींचने लगते हैं लोगों के। ये शादी के बाद सीखा है आपने? नहीं नहीं सर, पहले से ही करते थे एक्चुअली, हम लोग साथ में खेलते थे, कुछ प्लेयरों के बाल होते हैं अभी चेंज हो गया है, किसी के नहीं होते हैं। कटवा दिया कि ये बाल खींचते हैं? नहीं, तो मुझे एक इंसिडेंट याद है कि हम लोग चेन्नई का एक मैच खेल रहे थे आईपीएल का, तो डगी बॉलिंजर एक बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, तो वो बॉलिंग कर रहा था, उसने शायद सौरभ गांगुली का आउट किया था, तो जब उसके पास गए सेलिब्रेशन करने के लिए तो मैंने उसके बाल खींचे, तो पाजी वो सब बाहर ही आ गया, नकली बाल, मुझे पता ही नहीं था। अभी मलिंगा के बाल तो नहीं खींचे आपने? नहीं मलिंगा के साथ खेले नहीं सर, कंट्री के लिए खेले। खींचना मतलब आपके बाल हाथ फंस जाएंगे उसमें, घुराले बाल है उसके। एनीवेज बड़ा मजा आता है आप सबको खेलते हुए, आप गर्व हैं हमारे भारत। हार्दिक सुरेश और शिखर तो चलो शादीशुदा हैं, बच्चे भी हो गए, भाभी सामने बैठी हैं, आपकी अभी काफी सिंगल ही चल रहा है काम, वही बाकी हमें पता नहीं। सिंगल ही है, जो चल रहा है वो सही चल रहा है। आप जब बाहर जाते हैं फॉरेन कभी मैच खेलने, तो मैच खेल के उसके बाद सीधा होटल ही आते हैं कहीं और भी मतलब? नहीं मैं होटल ही आता हूं। नजरें झुक गई हैं उसकी पूरी तरह से। नहीं थोड़ा शाही है। शाही होते हैं लेकिन जब आदमी अकेला होता है जाते बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं तो अकेला जाते हैं कि लवी डवी जाते हैं? अब ये अभी वहां जाके कोई मिल गया तो पता नहीं, जाते तो अकेला। लीजिए सुरेश रैना जी, शिखर धवन जी, हार्दिक पांड्या जी, ओ गॉड, दिस इज प्राइड ऑफ इंडिया, जय हिंद। मैसल बच्चा यादव, हेलो 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 सर, हार्दिक पांड्या जी आपका टीम तो अभी है आईपीएल भी जीता, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। शुक्रिया। नहीं कहने के लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं भी कह सकते थे, लेकिन हार्दिक हमने अवॉइड किया क्योंकि हार्दिक इनका इनबिल्ट है। सुरेश रैना जी, ओहो क्या कमाल का खेलते हैं सर। अरे खेलने के अलावा गाते भी कमाल का है सर ये।
Really? हाँ सर, सर रहना सर, हमने आपका गाना सुना, वो वाला अपना वो। अबे वो इनका गाना नहीं है। आपका गाना नहीं है सर वो? ना। अरे सर आपके नाम का ऐसा मिसयूज कर लिया ये लोग ने यार। रहना डाल दिया गाने के अंदर। ऐसा होता है सर, लेकिन कभी कभी होता है, हमारे साथ हुआ है सर। कैसे? हमारे नाम का मिसयूज करते हैं लोग। कैसे? मायसेल्फ बच्चा यादव। अभी आप देखिए किसी भी घर में बेबीज पैदा होता है ना, कहते हैं हमारे घर में बच्चा हुआ है। ये देखिए हमारे नाम का कैसा मिसयूज हो रहा है। हम अकेले आदमी इतने सारे घरों में कैसे हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। शिखर धवन जी, सर आपसे एक काम था छोटा सा। हाँ जी बताइए। सर ये जरा इसे ओपन कर देंगे, ये काम आप ही कर सकते हैं, बिकॉज ही इज ओपनर। सर ऐसा जॉक्स के लिए, माहौल के लिए बोल दिया, वरना ओपनर लाए सर, ऐसा बात नहीं है, सबको आराम से। नहीं आपका पीने का मन होएगा तो पीजिएगा, वरना इट इज देयर फॉर यू सर। वैसे सर आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, बड़े बड़े वाले। एक बात बताइए, अगर एक लड़की को एम्पायर बना दिया जाए तो फिर नो बॉल नहीं होएगा? पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि लड़की की नाम है हाँ है यार, तो नो बॉल बिकम्स यस बॉल। भैंसिया नहीं आ रही आजकल? अरे वो अपनी एक नई पूछ लगवाने गई है। नई पूछ क्यों, मतलब पुरानी कहां गई? अरे सर हमारा क्या उसके साथ शर्त लग गया था कि अगर पूना जीतेगा तो हम अपनी मूंछ कटवा देंगे। अच्छा। और मुंबई जीतेगी तो वो अपनी पूंछ कटवा देगी। तो देखिए मुंबई जीत गई, उसको पूंछ कटवानी पड़ी। अभी नई वाली लगवाने गई है, पर नई वाली अच्छी है, उसमें ऐसा लाइट वाइट भी जलता है, उसमें अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं, नया वाला जो है ना पूंछ। आपने आपने उसकी लगा ली हो काटी हुई? अरे नहीं नहीं ये उसकी नहीं नहीं है, दिस इज डिफरेंट, इनबॉर्न है टैलेंट अपना। अच्छा आना कैसे हुआ तुम्हारा? हम खाली दरख्वास्त करने आए थे सर के हमको एम्पायर बना लीजिए। नहीं नहीं आपको सच पता है, हम खानदानी एम्पायर हैं। आजकल ये जो एम्पायर इशारे विशारे करते हैं ना, हमारे परदादा जी ने इजाद किया था इन इशारों का। क्या बात सच में? हाँ, अरे हमारे दादाजी को उन्हें खड़ा कर दिया कि आप एम्पायर हैं। फिर एक आदमी ने आकर ऐसा बॉलिंग किया, विकेट से बहुत दूर बॉल गया, हमारे दादाजी ने कहा ये क्या तरीका है यार, कहाँ जा रहा है बॉल, ये वाइड बन गया। ये वाइड का इशारा वहां से इजाद हुआ। फिर आया दूसरा, एक बॉलिंग किया, बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल ऐसा बाउंड्री के बाहर गया, यहाँ वहां सब दौड़ रहे, किसी को बॉल मिल नहीं रहा है। हमारे परदादा जी बोले क्या देखो यार यहीं कहीं होगा बॉल, जरा देखो ठीक से यहीं कहीं होगा, जरा देखो। ये ऐसा बाउंड्री फोर का इशारा हो गया। फिर यार एक और आदमी ने ऐसा शॉट मारा, सीधा छक्का ऊपर से जा रहा है, हमारे परदादा जी बोले ये क्या मार दिया यार इतना ऊपर, ये लीजिए ये छह का इशारा हो गया। सब एक के बाद हमारे दादाजी, अरे फिर उसके बाद तो एक बॉलर ने बॉलिंग किया, बैट्समैन को पैर पे लगाया यार जोर से। दादाजी ने बैट्समैन से पूछा यार ए तेरे को लगी क्या जोर से, ये लीजिए लेग बाय का इशारा यहाँ से आया। दादाजी खाली पूछ रहे थे कि लगी क्या। ये लीजिए हमारे परदादा जी सब इजाद किए हैं। बच्चा जॉक्स का पिटारा नहीं खोला आज? हाँ जी जॉक्स जॉक्स। अरे यार जॉक्स सर, हमारा जॉक्स का एक ऐसा पिटारा रहता है, बहुत सारा जॉक्स है हमारे पास, माहौल बन जाता है, थोड़ा मजा आता है सबको, तो लीजिए एक जॉक्स जॉक्स। चलिए जॉक्स पेश करते हैं। क्रिकेट का बात चल रहा है तो एकदम क्रिकेट वाला हम जॉक्स सुनाएंगे। तो ये जब मैच चल रहा है तो मैच जैसा ही खत्म होता है तो स्टेडियम में ऐसा गर्मी क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि सारे के सारे फैन चले जाते हैं। फैन नहीं है तो गर्मी हो। थैंक यू, माहौल तो बन गया भाई, जॉक सुनाया। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे आपसे मिलकर ना बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुआ है। आप पियेंगे क्या? हम पी लें। थैंक यू यार। सर आप तीनों ही हमारी इंडियन टीम के जबरदस्त प्लेयर हैं, हम आपके साथ एक गेम खेलना चाहते हैं, डिजी स्टंप। लेके आइए जरा स्टंप भी लेके आइए। पाजी आपको ये बैट लेके आपको ऐसे चक्कर काटने हैं और उसके बाद आपने स्टंप पे मारना है, ज्यादा दूर नहीं पाजी, आइए ट्राई करते हैं। चल रहना बेस्ट रहना बचा। ओके सबसे पहले सुरेश रहना।
जितने में आपको चक्कर आ जाए। स्टार्ट सर, वन टू थ्री स्टार्ट। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ये लो पारी, फटाफट चली 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 चलिए 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 चलिए। ये तो नॉर्मल हो गया। अब क्या फायदा मारने का, अब तो मैं इतने आ जा जा भाई तू जा जा ये इतने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओके। अब आ रहे हैं शिखर धवन, जोरदार तालियां। लो जी, चलो आस पास तो रहे। आप भी आ जाओ एक बार, आओ आप भी आ जाओ, आप भी आओ भाई, और फेंको। बॉल पकड़, काउंट कर ले, लाओ बॉल पकड़ लेते। मेरा नाम बड़ा घर वालों ने ना कपिल पाजी के नाम से रखा था। जो लोग बियर पीने के शौकीन है, मैं उनको ये बता दूं कि पैसा वेस्ट ना करें, ऐसा करके भी उतना ही नशा होता है। बहुत मजा आता है। ले मेरे भाई पाजी, ये हमारे तीनों धुरंधर जो हैं बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, ऑलराउंडर हैं। हालांकि जब ये साथ में होते हैं बहुत सारी मस्ती मजाक भी करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, आपको फटाफट बताना है कि ऐसा कौन करता है। मोबाइल का चार्जर सबसे ज्यादा कौन मांगता है? काम होता है ना, थोड़ा थोड़ा ईमेल्स चेक करने होते हैं, मेल्स चेक करने होते हैं, तो थोड़ा काम तो आपका क्रिकेट का है। सामने बॉल आ रही है आपको मारना है, वो ईमेल पे कौन किसका ईमेल आता है? अभी वही बोल सकते, मेल ही बोल सकते, व्हाट्सएप है, बहुत सारे हैं ऐसे तो यूज करने के लिए, तो सब सब चीज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एपिसोड के जाते जाते हम निकलवा लेंगे कुछ ना कुछ अंदर से। ज्यादा गर्लफ्रेंड या बीवी को बार बार में कौन बताता है कि यहाँ कि ये कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, बस अभी होटल जा रहे हैं, ऐसा कौन करता है टीम में? शिखर आप इनकी तरफ देखिए क्यों हंस रहे हैं? अब चोर नहीं, सब करते सब बोलते हैं, कोई गर्लफ्रेंड को बताता है, कोई वाइफ को बताता है, तो जरूरी है। अब कहीं खाने जा रहे हो तो मैच के बाद तो आपको बताना पड़ेगा। अब हार्दिक नहीं बताता वो अलग बात है। भाजी कभी ऐसा हुआ किसी लड़की ने, ये आप सवाल आप तीनों से है, किसी ने कहा ये सॉरी हाय भाभी सॉरी? भाभी को हिंदी समझ में आती पूरी? हाँ हिंदी समझ। चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक। ओके, सेल्फी खींच खींच के कौन सबसे ज्यादा भेजता है? एक दो कोचेज में या टीम में। अरे अच्छा, एक नाम नहीं बताएंगे तो। अच्छा नाम भी क्या? तो
व्हाट्सएप जो हमारी टीम का टीम ग्रुप होता है, जो ग्रुप होता है ना, तो उसमें अब हमारे कोच साहब ने अपनी वाइफ को प्यार भरा मैसेज भेजना था, आई मिस यू, आई मिस यू हनी, दिस एंड दैट, और उन्होंने टीम ग्रुप में डाल दिया। अब उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने टीम ग्रुप में डाल दिया। वो जैसे एंटर हुए सब ऐसे देख के, ऐसे जो एकदम एकदम कातिलाना लुक दे रहे, सब हंस रहे हैं, तो उनको पता नहीं, तो उन्होंने उनको लगा कुछ गलती होगी होगी, जैसा चेक किया उन्होंने इंडिया के ग्रुप में डाला और सब लिख रहे सब मिस यू। तो किसी प्लेयर ने बोला लेट्स हैव कॉफी टुनाइट। सो स्वीट, कितने भोले हैं कुंबले साहब। नहीं 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 नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। अरे सबसे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन यूज करता है? फोन करता है तू, ओ तू, ये बैठा वाला भाई। शिखर भाजी लुक आपका बड़ा कमाल का है। हाँ जी, पहले आप चेंज करते रहते ना, ये वैसे ऐसा खतरनाक लुक क्यों रखते हैं आप? इसे डराने के लिए, क्या बॉलर को डराने के लिए, कैप्टन को दिखाने के लिए कि मैं भी एक दिन कैप्टन बन सकता हूँ भाई? दोनों चीजें, और क्या कहते हैं, जो ये मेरा नया लुक है जी, ब्रेक द बियर्ड, एक्चुअली इतने सालों से मैंने एक लुक रखी हुई थी, तो मन भर गया था मेरा उससे, तो मैंने सोचा कि अब नए लुक लाता हूँ कुछ, और एक फ्रेश फीलिंग आती है, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस न्यू लुक। पाजी लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, हमारे क्रिकेटर्स बड़े स्टाइलिश हो गए हैं। रैना ने तो आज ही अपनी दाढ़ी जो है ऐसे स्लिम ट्रिम की है, शिखर ने भी बिल्कुल आप फ्रेंच कट में, हार्दिक ने तो बिल्कुल क्लीन शेव हो गए। ये है क्या एक्चुअली ब्रेक द बियर्ड चैलेंज? ये बस वही है जो एक कॉमन एक बियर्ड का एक यूनिफॉर्म हो गया है, वो शिखी भाई ने भी किया, रैना भाई ने भी किया, मैंने खुद ने किया, क्योंकि यू नो जैसे देखते कोई भी देखता है सब सेम दिखता है। नहीं, हम लोग सबका ट्रेन चल रहा था और यू नो सब लोग बियर्ड रख रहे थे और सबका यूनिकनेस चल रहा था कि टीम की बॉन्डिंग ऐसी है, तो फिर सबको लगा कि चेंज करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेयर अलग शेव, जैसे शिखर 15 साल के बाद शेव किया है। अच्छा, शेव ही नहीं करता है वैसे, जनरली उस तरह ही लगाता है, ट्रिम करता है, तो प्रॉपर्स ने शेव किया वो हार्दिक को आपने हमेशा बियर्ड में देखा होगा, तो सब ने कुछ ना कुछ नया एक कुछ नया किया है, तो आई थिंक इट्स गुड, और आपकी जो अंदर से आप दिखते हो फिर थोड़ा क्लीन सा लगता है, तो अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप, और 15 साल बाद आपने अपना चेहरा पहचान लिया था? 15 साल बाद आदमी शेव करे? 15 साल बाद नहीं पहचाना, नहीं, धूल मिट्टी थी, अब काफी चमक के आया है चेहरा बाहर मेरा, थोड़ा चिट्टा लग रहा है, खुद किया मैंने सारा। जैसे सबने बोला वही कि डिफरेंट एक लगना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सब सेम हो रहे थे, कोई किसी को केएल बोल दे रहा था जड्डू को, जड्डू के बदले कोई जड्डू को केएल बोल दे रहा था, कोई शिखी भाई को कुछ और बोल दे रहा था कभी, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत हो रहे, सबका सेम ग्रोथ और सेम था, तो फिर हम सब ने डिसाइड किया कि चलो कुछ अलग करते हैं, और आए ब्रेक द बियर्ड का चैलेंज करके आए, और फिर देखें, और कोई पहले जब किया तो कोई पहचान नहीं रहा था, खुद घर वाले बोल रहे थे कौन आ गया, लेकिन फिर अभी यूज हो गए। I just broke my beard because I used to have beard in the Firangi schedule. बीच बीच में अपनी प्रमोशन कर देता हूँ सर। सर मैं आपको कुछ दाढ़ियाँ दिखाता हूँ यहाँ पे, आपको खाली दाढ़ी देख के बताना है कौन से प्लेयर हैं। दिखाइए। अजिंक्य। अजिंक्य रहाणे। बताओ कौन है? ईशान शर्मा। ईशान शर्मा। ईशान शर्मा। ईशान शर्मा। ये क्या एक्सप्रेशन हुआ ईशान का? ये कौन है? जड्डू। जड्डू नहीं नहीं मुरली विजय। ये है पहला जड्डू। और जड्डू है, अरे बाल छोटे। रविंद्र जडेजा। ये विराट। टीकू। ये तो पहचान लिया हमने फटाफट। पर ये आपकी फॉरेनर जो फैंस हैं वो कंफ्यूज नहीं होती हैं? दूर से आपको देखती हैं तो इसलिए चेंज कौन पांड्या है कौन जडेजा है ऐसा नहीं होता? तो आप देख लो इधर भी देखो आधे लोगों की बियर्ड होगी। राइट। तो इमेजिन करो कि जैसे कोच बोल रहा है जैसे पीछे सब खड़े हैं तो उसको सारे प्लेयर एक जैसे ही लग रहे हैं एक्चुअली। किसी को बोलना हो कि कोई 3 नंबर पैड कर ले या 4 नंबर वो जाके दिखता है किसको बोलना है। एक्चुअली दूर से तो सारे एक जैसे दिखते हैं। तो अपनी यूनिकनेस होनी जरूरी है, आदमी की एक पहचान होनी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए बहुत अच्छा है, और आई होप कि सबकी कुछ ना कुछ पहचान होगी तो वो लोगों तक पहुंचाएं और एंजॉय करें। गर्ल्स वेलकम टू द शो। क्या बात है कप्पू, आज तुम मेरा वेलकम कर रहे हो? अच्छा तुम भी आई हो?
ओ सॉरी, मुझे लग्जरी गाड़ियों में रिक्शा नजर नहीं आया सर। आजा आजा भाई, तुमने अच्छी चीजें दिखाई का देती है। हाय सुरेश, हाय शिखर, हाय हार्दिक, दीज आर माय इंटरनेशनल फ्रेंड्स बारबरा, के, जेनिफर एंड रोज। नमस्ते। ये तो इंडियन लड़के भी करती हैं, आप अपना वाला करो। तुम्हें शर्म नहीं आती मैं तो सामने खड़ी हूँ? देखो लग रहा है दिसंबर और जनवरी के बीच में जून का महीना आ गया। देखो कपू, तुम सोच लो ऐसा ना हो कि विदेशी पास्ता के चक्कर में ना इंडिया में रास्ता भी ना मिले। ये शुक्र है इसने रास्ते के साथ नाश्ता नहीं मिक्स किया, ये खाने पीने वाली चीजें। और ये क्या बन के घूम रही है? मैं चीयरलीडर। वो क्या है ना, देखो एक रिक्वायरमेंट होती है चीयरलीडर बनने के लिए, खूबसूरत होना पड़ता है। वाकई? तो मैं चीयरलीडर बनी हूँ और बस एक बार सोनी साहब मुझे आईपीएल में ले ले तो। ये झूठ बोलती भाजी, मुझे तो ऐसा लगता है किसी लॉन्ड्री वाले के यहाँ काम करती, कपड़े रोज नए नए पहन के कुछ ही पहन के आ जाती। इन फिरंगी लड़कियों के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू। You can go inside, आपके लिए नाश्ता लगा है भाई। अच्छा, गर्म पानी को नाश्ता बोलते हैं आजकल। आजो, अभी ठीक लग रही, पता है ऐसे अकेली आया कर तू। सच्ची में ऐसा लग रहा है दो चार फाइव स्टार होटल है, बीच में किसी ने कब्जा करके टेंट लगा दिया। हाँ, अरे बैठ। देखो फ्री की चीजों की कीमत ना तुम नहीं जानते। वैसे फ्री में तो हवा भी मिलती है, लेकिन नहीं मिले ना तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसने ना जीजा साली की चटपटी शायरियों वाली किताब ली हुई है, उसमें से ऐसी लाइनें निकाल के लाती है हमेशा। किताबें तो मैंने और भी खरीदी हैं, कभी वक्त निकालो तो साथ में पढ़ेंगे। हाय हाय, अजीब अजीब सी किताबें ले आती, परसों किताब ले आई, 10 दिन में इलेक्ट्रिशियन कैसे बने। एक मिनट, इलेक्ट्रिशियन बनने वाली किताब मैं क्यों खरीदूंगी? हाँ, तुम क्यों, तुम तो लेके भागने माहिर हो, आओ बैठो इधर। तुम रहने दो यार। वैसे हार्दिक, यू नो आई एम सिंगल। सिंगल भी नहीं, कंप्लीट नहीं, हाफ ही है। बिना मेकअप के तो नो बॉल लगती कभी कभी। नो बॉल लगती हूँ तो क्या हुआ, बैट्समैन के लिए तो फायदेमंद ही है ना, और हार्दिक ऑलराउंडर है, सो हाउ डज इट मैटर। चलना क्या है, बिना कुछ कहे ना सीमा रेखा के बाहर हो जाता, बाउंड्री के बाहर जाने का टाइम हो गया, जा। ए, अभी तो मैं पिच में आई हूँ, इतनी जल्दी पवेलियन जाने वालों में से नहीं हूँ मैं। ओ, ओ। ये पता बीच में आती है, ऐसा लगता है अच्छे खासे चलते मैच में बारिश होनी शुरू होती है मैच के बीच में, मैच रद्द करने का दिल करता है। जहाँ प्यार का मौसम आ जाए वहाँ घटाएं तो बरसेंगी ही। बाजी ये आपका टिफिन खा के आ गई आज। ये जो शेर शायरी निकल रही है ना, ठीक है तुम कर लो मजा। अच्छा सुनो सही, आज तुमने मोनी बताया क्या है? जो भी मेहमान आता ना उनको बोलती कि मेरे दादाजी बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, वो तो बता। जो भी मेहमान आता ना उसके हिसाब से दादा की ये शिफ्ट कर लेती है कि जॉब। पिछले हफ्ते हेलन जी आई गई थी, आपको पता मेरे दादाजी साड़ी पहन के बड़ा अच्छा कैमरे करते थे। देखो लड़कों को साड़ी पहनाने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। चीयरलीडर क्यों बनना चाहती है? गुड क्वेश्चन। मैं एक्चुअली चीयरलीडर बनके जो कमाऊंगी वो मैं चैरिटी में दूंगी, इसीलिए। बहुत चैरिटी करती है आपको पता है। कल एक भिखारी ने कहा 5 रुपए दो मेरे बच्चे दुआएं देंगे, कहती आप मुझे 3 रुपए दो मैं आपका कुर्ता दो देती हूँ। ये वो जो बर्गर वाली आती नहीं हो चेन, जिसके पास एक ऐसा बुड्ढा बैठा रहता है पत्थर का, पत्थर के बुड्ढे की जेब में हाथ डाल देती शायद कोई पैसे निकल आए। एक बार तो उस बुड्ढे ने पकड़ लिया था, हर बुड्ढा पत्थर का नहीं होता। ऐसे काम ना किया करो। इसे हार्दिक आपको याद है एक बार आपने एक मैच में ना छक्का मारा था और एक्साइटमेंट में मैं स्टेडियम के अंदर घुस आई थी। ड्रिंक ब्रेक हुई थी ना, ठंडा मांगने आई थी। यार तब तो कुछ भी बोल देते हो यार, बोलने के पहले सोचा तो करो। तो तू करने से पहले ना सोचे, हम बोलने से पहले सोचे जाए। यार तुम रहने दो, मेरे पापा पता 4 साल इंटरनेशनल खेला है उन्होंने। हाँ जी पता है आपको कहाँ से? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पकड़ गए थे। वो जो बैगेज बेल्ट नहीं होती, बैगेज बेल्ट, वहां से सारे बैग उठा के लेके जा रहे थे। आगे कस्टमर ने पकड़े, कहते बैग में क्या, कहते पता नहीं अभी उठाया, अभी खोल के देखूंगा क्या। आप लोग इसे झेलिए, मैं चलती हूँ, मैं आप लोगों से ना स्टेडियम में मिलूंगी, बाय। आप सबके यहाँ पे फैंस हैं जिन्होंने आपसे कुछ पूछना है, आप जो भी पूछना चाहते हैं आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। सत श्री अकाल सिद्धू जी, हेलो कपिल, हेलो ऑल द क्रिकेटर्स, आई एम मिशा सोनी फ्रॉम औरंगाबाद। जडेजा जी की मैं बहुत बड़ी अच्छा, फैन हूँ। हाँ जी, अच्छा जी। तो मेरा आप एक मैसेज उन्हें प्लीज कन्वे कर देंगे कि पहले तो वो वैसे भी बहुत क्यूट लगते थे, बट जब से उन्होंने उनकी बियर्ड निकाली है वो और भी ज्यादा क्यूट लगने लग गए हैं।
थैंक यू सो मच. सो स्वीट. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त? यस. हेलो सिद्धू सर. हेलो कपिल सर. हेलो सर. मैं हार्दिक सर के साथ में प्लीज एक डांस करना चाहती हूँ. सर प्लीज. थैंक यू. जैसे ना बैट्समैन का ना दो गेंद खेलता ना तो पता लग जाता है कि लंबा खेलेगा. गुरु तेरा डांस जो था ना 10/10. जी सर. हाँ सर, मैं स्टेज पे आके आपसे थोड़ा इनसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ. इधर नेटवर्क नहीं आ रहा. हेलो सर. हेलो सर. जो मजा अपने पास आके होता ना वो दूर से नहीं होता सर. अरे सर शुक्रिया सर. आपका मैं स्टेशन आपका जो प्रोग्राम है वो मैं सुबह 8 बजे डेली सोनी टीवी पे आपका पाता ना, मतलब एपिसोड आते रहे. हमारा तो रात को 9 बजे आता. सुबह क्या देखते हैं? सुबह भी तो रिपीट होता सर आपका. अच्छा जी. तो सर हम सुबह ही देखते हैं. ठीक है जी. ठीक है सर. और सर हेलो सर. सुरेश रैना सर. और सर सर आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. अच्छा जी. दिस ये प्लेयर सर में हमारे नेबरहुड है. अच्छा जी. ठीक है सर. जब आप सर आपने बहुत सारे कंट्रीज में क्रिकेट खेली होगी तो सर आपको सबसे ज्यादा मजा कौन सी कंट्री में आया? हेलो हेलो सर कौन सी कंट्री में मजा आया आपको? आपको सबसे अच्छा खेलने का कौन सी जगह पे अच्छा खेलना लगा? कौन सी कंट्री में? हेलो. इनको कौन सी कंट्री में अच्छा लगा खेलना? वैसे तो ये बहुत सारी कंट्री में खेलने के लिए आते हैं. हेलो. अच्छा. हाँ सर, जैसे कि ऐसा कौन सी कंट्री में ज्यादा मजा आता आपको खेलने के लिए? सब जगह. छोड़ना मत. सब जगह मजा आता है. जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो कहीं पर भी जाते हो तो मजा. ठीक ठीक. मतलब कि आपको कौन सी कंट्री में मजा आता ज्यादा? सर हमें तो इंडिया में आता. IPL काफी जीता है इन्होंने. हाँ जी. ठीक है सर. IPL जीतने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ठीक है. और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. ठीक है सर. थैंक यू सर. थैंक यू जी. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. पाजी एक ना हम लोग छोटा सा प्रोग्राम करते हैं सिटी केबल के लिए, कौन भैल करोड़पति. तो खाली आपको खेलना है और पैसे वैसे तो है नहीं, दुआएं हैं. फटाफट लेके आओ. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. प्रणाम आप सभी लोगों का इस रोमांच रोमांस और सस्पेंस से खचाखच खाली शो में स्वागत है, जिसका नाम है के भैल करोड़पति. सुरेश रैना जी आपका हार्दिक स्वागत है. थैंक यू. शिखर धवन जी आपका सुरेश रैना स्वागत है. और हार्दिक पांड्या जी आपके लिए हमारे पास 3 शब्द हैं. आई लव धोखा. आपके प्यार में हम धोखा खा सकते हैं. ये धोखा नहीं, ढोकला खाना चाहती है. खाने के अलावा इसे और कुछ सोचता ही नहीं है. देखिए जो भी खाना है अपने बाप का ही खाते हैं. आपके बाप का तो नहीं खाते. बाप पे मत जाओ. मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरा अच्छे से इंट्रो दो. ठीक है कर देते हैं. ये है सरला गुलाटी. ये एक्सपर्ट है लेकिन खाली बैठने में. ये तो इतनी ज्यादा एक्सपर्ट है कि कभी कोई पेन ड्राइव में ऐसा 20 MB भी खाली होता है ना उसमें भी बैठ जाती है. हेलो हेलो अपना मिलिंगा साहब. हाँ जी कैसे हो आप? अच्छा ये जो आप बॉल फेंकते हो ये सिर्फ पिच पे फेंकते हो? नहीं किसी के मुंह पे 10 ओवर फिकवाने थे मुझे. मुंह पे ओवर कौन फिकवाता है? तो ये क्रिकेट किट जैसा मुंह लेके कौन आता है?
वाह वाह, मैं आप तीनों को देख के इतना मजा आ रहा है। आज आप यहाँ पे आए, अब सेट मैक्स पे सूर्यवंशम आएगी। बहुत दिनों से आईपीएल आ रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक आईपीएल में धुआंधार परफॉर्मेंस देने के लिए। वैसे सिद्धू साहब, मैं शिकार खेलने गया था, बहुत सारे डायनासोर मार दिए मैंने। रुक जाइए रुक जाइए, डायनासोर होते ही नहीं है। हाँ तो मैंने सारे मार दिए तो होंगे कहाँ से। मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ। अरे काय के शिकारी, हम बेकार का बात करते हैं। ये कुत्ता देखते हैं तो गीली बिल्ली बन जाते हैं। एक मिनट, गीली बिल्ली नहीं, भीगी बिल्ली होती है। हाँ तो भीगने के बाद गीली होती है, सूख जाती है। अच्छा चलो बोनी करते हैं। सबसे पहला सवाल, दुनिया में सबसे पहला मैच कहाँ खेला गया? स्टेडियम में। मैच जीत गया। ये इंसान बेकार का बात करता रहेगा, इसके बात पे ध्यान देने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा इधर देखना एक मिनट, बिल्कुल मजा नहीं आया मुंह देख के। हो गया आपका? हाँ। तो अभी हम खेला शुरू करते हैं। खेला शुरू करने से पहले एक बार शमा रोशन कर देते हैं। तो शमा कहाँ है, जरा खड़ी हो जाओ। ये रही देखिए, शमा यहाँ पर है। ये लीजिए, ये हमने शमा को रोशन कर दिया है। अब हम खेला शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला सवाल। मेरा फोन कहाँ है? ऑप्शन तो दो। अरे मैं सवाल नहीं, मेरा फोन कहाँ, मिल नहीं रहा मुझे मेरा फोन। पहले बेटा खरीदो फिर मिलेगा तुम्हें फोन, झूठ बोलती है इधर आके। अगर फोन लेने के चक्कर में झूठ बोली जा रही है, गेम बंद करो। ये औरत किसी को इनाम नहीं देती, झूठ बोलती है ये। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप खेलिए ठीक से, आपको इनाम मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये हमारा वचन है और हमारा वचन ही है शासन। और 40 चपातियां एक बाल्टी दाल इसका राशन है। इस औरत का कोई स्टैंड नहीं है। ये देखो तुम्हारा मुंह गिर गया। हमारा मुंह कहाँ? देखो नीचे। चलो अब हम खेलेंगे। अब मैं खेलूंगा। सवाल है जनरल नॉलेज का। तो हाशिम आमला, मजा आ गया नाम लेके। हाशिम आमला कहाँ का है बताइए? साउथ अफ्रीका। झूठ। हाशिम का मुझे पता नहीं, आमला बाबा रामदेव का है। अब खेलते हैं पैसे के लिए। अगला सवाल 2 करोड़ रुपए के लिए। लेग बाई कैसी होती है? ऑप्शन ए टाटा बाई बाई जैसी। ऑप्शन बी बजरंगी भाईजान जैसी। ऑप्शन सी 21 और 23 के बीच आने वाली बाई जैसी। या ऑप्शन डी को पावर्ड बाई। बजरंगी भाई जान। वेरी गुड, आप जीत गए। ये लीजिए 2 करोड़ रुपए का चेक, साइन करके हमें दे दीजिए। अरे हालात बहुत खराब चल रहे हैं। क्या साइन करा रहे हैं आप? सबसे पहले उस आदमी का साइन लेकर आइए जिसने हमारे हाथ पे ये लिख दिया है, इतना कड़क हाथ, नाश्ते में पत्थर खाती हो क्या? ये तो कुछ भी नहीं सिद्धू साहब, उस दिन जू में गई ये, हिप्पो गुस्सा कर गया, कहता तेरी हिम्मत कैसे हुई 2 हाथों पे चलने की। अगला सवाल 3 करोड़ रुपए के लिए। एक सेकंड चाचा जी, आप ये 3 करोड़ कहाँ से देंगे? आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है। मैं 4 किडनी बेच दूंगा। किडनी दो ही होता है। मैं तुम दोनों की बेचूंगा। अच्छा किडनी से एक सवाल याद आया। अगर हार्ट पड़ता नहीं है तो फेल कैसे हो जाता है? मैं बताती हूँ। अरे तुम नहीं बताती नहीं हो, तुम गुलाटी हो बार बार। अरे मैं जवाब देती हूँ, क्या मतलब है? सल्ला गुलाटी हूँ लेकिन मैं जवाब दूंगी। अरे हाँ, हार्ट इसलिए फेल होता है क्योंकि पास होके कौन सा उसे कलेक्टर बनना है, इसलिए फेल हो जाता है। वाह क्या जवाब दिया है। इनाम में तुम्हें मिलती है पूरी एग्जिट। चलो ले जाओ, जाओ जाके मेहमानों के लिए चाय वगैरह लेके आओ। चलो अब क्रिकेट से रिलेटेड एक सवाल। चौका जो होता है छक्के से छोटा होता है, तो वो छक्के को क्या कह के बुलाता है? आपके ऑप्शन हैं ए बड़े भैया, ऑप्शन बी बाबूजी, सी बहुत उड़ रहे हो आजकल, डी नीचे आओ बात करेंगे। इस सवाल के लिए हमें लगता है ऑडियंस पोल कर लेना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं, आप आइए 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 एक बार, थोड़ा सा ये पोल के साथ आइए।
बहुत अच्छा पोल डांस किया है, सारे पोल खुल रहे थे हमारे। लेकिन सच में हम आपको बताएं, आप जवाब मिले ना मिले, लेकिन इनाम में आपको मिलती है हम। तो बताइए, क्या फेरे लेंगे कि भाग के शादी करेंगे, कोर्ट में शादी करेंगे, कैसे होगा ये? एक मिनट, ये सिंगल तो यही है। तुम एक हो वो तीन है। हाँ, लेकिन ये ऐसा इनको आदत है, एक आदमी तीन तीन चार चार पांच पांच आदमी एक बॉल के पीछे भागते हैं, इनको तो आदत है, चलता है। हाँ, तो वो एक क्रिकेट बॉल के पीछे भागते, फुटबॉल के पीछे नहीं। मुझसे बात करने दो। हार्दिक, मैंने आपके लिए अदरक वाली चाय बनाई है। थैंक यू सो मच। वैसे हार्दिक, आपने ना मुझे क्लीन बोल कर दिया है, तो मैं आपकी गुगली बनना चाहती हूँ। रुक जाइए, ज्यादा इतना खुश होने का जरूरत नहीं है। हार्दिक के ऊपर रुमाल हम पहले से रख चुके हैं, ऐसा नहीं होगा। एक सेकेंड, हार्दिक जो है ना वो ट्रेन का सीट नहीं है जो तुम रुमाल रख के रिजर्व कर दो। अच्छा, बारिश हो गई, शादी ड्रॉ, इस शादी में डकवर्थ लुइस रूल लग गया है। संतोष, और तुम्हें मैरिज की जरूरत भी नहीं, तुम्हें गैरेज की जरूरत है, चलो निकलो यहाँ से। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, एक मजेदार सवाल हो रहा है। नो बॉल का ऑपोजिट क्या होता है? यस बॉल। नहीं, डोंट नो बॉल। अब लोगों का मूड ठीक करने के लिए अगला सवाल 4 करोड़ रुपए के लिए। कैप्टन ने विकेट कीपर को बॉल दी, तो जिसने बॉल ली उसको क्या बोलेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ब्रेटली, ऑप्शन बी डेनिस ली ली, ऑप्शन सी ब्रूस ली, ऑप्शन डी ली ली नहीं ली नहीं ली। ली नहीं ली, वो वाला डी वाला अच्छा था, ऑप्शन डी, डी वाला लॉक किया जाए। बिल्कुल, आप जीत गए 4 करोड़ रुपया। ये लीजिए, करोड़ करोड़ के 4 नोट। ये 4 करोड़ रुपए हुए आपके, बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या क्या दे रहा है, 1-1 करोड़ का कोई नोट नहीं होता, ऐसा नकली है, मैंने अपने हाथों से छापा है, नकली कैसे हो सकता है? इसके चक्कर में मैं जेल भी जा गया हूँ। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ रैना साहब, जैसे आपने दाढ़ी कटवाई तो आपकी वाइफ आपको पहचान गई थी? क्योंकि मैंने जब अपनी अपनी वाइफ की मूछें कटवाई, मैं पहचान नहीं पाया था। तो उनको क्या महसूस हुआ था जब आपने ब्रेक द पीरियड किया? नहीं, अच्छा लगा सर, और बेटी भी रहती है साथ में, जब उसको गोदी में लेते हैं तो दाढ़ी रहती है तो थोड़ा उसको मुश्किल होता है, बट अच्छा क्लीन शेव लुक है तो डेफिनेटली अच्छा लगा है उसको। बहुत जोरदार तालियां हमारे सारे प्लेयर्स के लिए। पाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, बहुत मजा आपसे मिलके, बहुत दिनों बाद। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू सुरेश पाजी, थैंक यू पाजी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर मैचेस। सर, हम ना हमेशा अपनी मजेदार ऑडियंस में से किसी ना किसी को एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं, तो सुरेश भाई, आपके जो पड़ोसी आए जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत अच्छा लगा आप वहां से आए। आइए, आप हालांकि हमारे लिए कुछ नहीं लाए, लेकिन हम आपको एक खूबसूरत सा तरह का सेल्फी आप सबके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।